ये लॉकेट थोड़ा अजीब है, लेकिन पहली बार तूने अपुन को ये गिफ्ट दिया है। अरे इसे तो साजन अपने जान से लगा कर रखे। मैं मस्ती के मूड में नहीं हूँ, लॉकेट वापस कर मुझे दे। ठीक है, लॉकेट चाहिए? हाँ दे। दे देगा, लेकिन अपुन की एक शर्त है। क्या है? ये वैलेंटाइन तेरे को अपुन के साथ मनाना पड़ेगा, अपुन की वैलेंटाइन बन के। अगर ये पेन ड्राइव गलत हाथों में पहुंच गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें किसी भी कीमत पर इस पेन ड्राइव को हासिल करना ही होगा। बोल, है मंजूर? तू लॉकेट वापस दे मुझे। चल, मैं अपुन नहीं देगा। अरे यार सॉरी, अपुन नहीं देगा। साजन, साजन तू भूल जा मेरे बाल मत। रुक, मैं नहीं दूंगा। देख मेरे को, तू लॉकेट दे मेरा। साजन, मैं नहीं दूंगा। साजन तू, वाह क्या प्यार है। कभी वो आपके पीछे, कभी आप उसके पीछे। तेरे को बहुत मजा आ रहा है ना? तेरे को नहीं आने का था डेट पे, तो नहीं आता। वो चेपू का काय के लिए भेजा? चेपू? कुछ तो मानवता दिखाइए, कितना चाहता है वो आपको। आजकल के जमाने में ऐसे चाहने वाले कहां मिलते हैं। इतने सालों पुराना प्यार और ऐसी बेरुखी। वैसे आप दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? बहुत टाइम से। साजन, 2 महीनों से। ऐसा उसने कहा कि उसके एरिया में 2 महीने पहले ही आपने वड़ा पाव की गाड़ी लगाई थी। जबकि आपका कहना है कि यह तो आपका खानदानी धंधा है, बाप दादा के जमाने से चलता आ रहा है। तो फिर सवाल यह है कि इससे पहले कहां पाई जाती थी उर्मिला महादेव मात्रे? ये अनुभव हमारे बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? माजरा क्या है? क्या बात है मेरी लोनावला की चिक्की? तेरे को बहुत जानने का है मेरे बारे में। इरादा क्या है? शादी करेगा? नहीं नहीं, शादी कर मेरे से, लुगाई बना के मेरे को घर लेके जा, उसके बाद जितने सवाल करना है कर, मैं अपनी पूरी कुंडली देगी तेरे को। लेकिन हनीमून अवश्य ऐसा ही होता अगर आप हसीना मलिक होती तो, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उर्मिला है। उर्मिला ही है ना? दुर्भाग्यवश हाँ, मैं उर्मिला ही है। मैं हसीना मलिक कैसे हो सकती है? तो फिर ये विवाह कैसे हो सकता है? चलते हैं। टाटा। ये चल क्या रहा है? अभी तक अनुभव को यही लग रहा है कि हम हसीना मलिक हैं, जबकि सच तो हम बताना चाहते थे। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि इस राज को राज रखना होगा। इस वक्त सबसे जरूरी है साजन से वो लॉकेट वाला पेन ड्राइव वापस लेना। पुष्पा जी, पुष्पा जी, आराम से। गजब गजब, अब कौन सा कारण कर समझ गए हम। समझ गए संतु जी ना, इनको 100 बार बोले हैं हम, इनको 100 बार बोले हैं कि करिश्मा मैडम को लेट लतीफ आदमी पसंद नहीं है। ये बाथरूम में होंगी ऐसे, इधर उधर शैंपू वैम्पू से लगा के नहा रही होंगी, करिश्मा मैडम वहीं से टांग कर लाई होंगी इनको, है ना? ऐसा ही हुआ है ना पुष्पा जी? क्या हुआ है ना? सही कह रहा है तू। क्या सही कह रहा है तू? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ये तो बताइए आप इतने ऐसे शावर क्या पहन कर आई है? इतनी गीली हो गई है क्यों? इनकी वजह से। किसकी वजह से? चुवारी ना महारानी, इन्हीं की वजह से। इनकी? जय मैडम। जय हिंद। कैसे, क्या हो गया बताइए? आज मलाई का काम पे नहीं आई तो हमने इनसे कहा कि थोड़े से कपड़े हैं और थोड़े से बर्तन हैं, धो दीजिए। मगर इन्होंने इतना पानी का इस्तेमाल किया, जैसे नहाने के लिए गए हम, साबुन लगाया नहीं, शैम्पू लगाया नहीं कि पानी खत्म हो गया। हमारी आँख में साबुन चला गया, हमारे मुंह में तक साबुन चला गया। अरे हमारे लल्ला की तो भागे फूट गया, क्या बताएं तुमको। लल्ला कहाँ से आ गया बीच में? लल्ला कहाँ से आया बीच में? ना जब इतना ही हमारे हाथ का काम आपको नहीं पसंद है तो काहे पूरे बर्तन वर्तन और जितने भी कपड़े इतने तेज होते हैं वो खुद काहे नहीं धो लेती हैं? हमारे सर पर धंधनादन ऑर्डर काहे देती हैं आप? इतनी हट्टी कट्टी बहू घर में होने के बाद सास काम करेगी? ये दिन आ गया अब हमारे, बताइए। अच्छा, और इतनी हट्टी कट्टी सास पूरा दिन आंगन में बैठ के बादाम का दूध पी सकती है, घी के लड्डू पेल सकती है, लेकिन घर का एक चित्ता सा काम नहीं कर सकती है? हाँ देखिए, 2 बादाम क्या खा लिए हमने, इनके कलेजे पे सांप लौट रहे, बताइए। नहीं पुष्पा जी, देसी घी के लड्डू भी खाए आपने? वो तो एक आध लड्डू खाए ना,
उसमें इतना क्या है? अच्छा ठीक है, आप जल्दी जाइए, अपना सर धोइए वरना बाल झड़ जाएंगे सारे। जाइए। हाँ, हमारे बाल ही तो हमारी सुंदरता की निशानी है, हम जाते हैं। जाइए जाइए पुष्पा जी, आराम से जाइएगा। हाँ, डिस्को डांस करते हुए जाएंगी, आराम से, थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, एक बार पहुंच जाएंगी। इताना है का? नहीं कसाई खाना है। कैसा सवाल कर रहे हैं भैया, थाना ही है ना, बोलिए क्या दिक्कत है। हमारे पूछने का मतलब है कि अगर ये थाना है तो यहाँ पे आम नागरिक को सुरक्षा मिलती होगी ना, तो हमें सुरक्षा की जरूरत है, मिलेगी का? किस लिए बैठे हैं हम यहाँ पे? सुरक्षा देने के लिए बैठे, यही काम है हमारा, बताइए किसको सुरक्षा चाहिए? हमारे बबलू की जान बहुत खतरे में है मैडम, प्लीज उसको बचा लीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। का का? ऐसे कैसे बबलुआ का जान खतरा में है? किससे खतरा में है बताइए हम लोग को? हमारी वाइफ से। वाइफ से? वाइफ से खतरा है? हाँ बहन जी हाँ, हम हमारे बबलू की जान कभी भी ले सकती है। एक मिनट, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, आपके बबलू को मिलवाइए हमें। कहाँ है बबलू, कहाँ है बीवी? यहीं बाहर है गाड़ी में। अच्छा, आपके साथ आया है? हाँ, तो कब मिलवाएंगे, मिलवाइए। आइए आइए चलिए। तोता? तोता? अब बताइए बबलू कहाँ है? यही तो है हमारा बबलू। का? है? नहीं, ये तो तोता है ना? हाँ, यही हमारा बिटुआ है, हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारा सब कुछ। इसी के सुरक्षा का डिमांड कर रहे थे अभी तक। जी सर जी। अच्छा, अपनी धर्म पत्नी से वो भी? जी मैडम। का भैया, थाने में आके बावर्दी पुलिस वालों से तुम ऐसा मजाक करो, इसका अंजाम जानते हो तुम? ये क्या चिड़ियाघर नजर आ रहा है क्या, जो अब तोते कौवे को हम प्रोटेक्शन देते फिरेंगे? अरे नहीं नहीं मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए, प्राण तो प्राण ही होता है ना, चाहे वो इंसान का हो चाहे पशु पक्षी का। हाँ तो पशु पक्षी के लिए दूसरा मंत्रालय, वहाँ जाइए। देखिए मैडम, प्राण बचाना तो आपका कर्तव्य है ना, तो मैडम हम आपके पास यही गुहार लगाने आए हैं, हमरे बबलू की जान बचा लीजिए मैडम, वरना वो औरत हमारी वाइफ इसे मार डालेगी। प्लीज हमारे बबलू को बचा लीजिए मैडम, बहुत आस लेकर आए हैं आपके पास। मैडम अगर वो इतना कह ही रहे हैं तो जाकर उनकी वाइफ से बात कर लेते ना, समझा देते हैं कि ऐसा ना करे तोते के साथ। ठीक है ठीक है, तो तुम दोनों जाओ, तुम और चीते जाओ और जाके इस टंटे को खत्म करके आओ। और सुनिए, टंटे को खत्म करके आइएगा, टंटे का नया तोता पाल के मत आइएगा, ठीक है? ठीक, समझ गया चीता? लेकिन आप ये तो बताइए कि समस्या क्या है, क्यों वो बेजुबान तोते की जान के पीछे पड़ी है? अरे मैडम, सारी समस्या इसकी जुबान का ही तो है, ऐसी गंदी भाषा बोलते आपको क्या बताएं? ऐसा कोनो बात नहीं है मैडम जी, बस थोड़ा सा बड़बोला है, वो तो सभी तोते होते ही है, अब ये किसी से कम है का? है भैया, ये भी तोते जैसी है क्या? अरे तोते जैसी होती तो क्या बात थी, फिर भी हम इनकी बातें 18 साल से सुन ही रहे ना। ये जलती हैं इस बेचारे पक्षी से, क्योंकि हमें इससे ज्यादा इसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अरे क्या अनाप शनाप बके जा रहे, जो भी मुंह में आ रहा है। हा? अरे हम इससे इस तोते से क्यों जलेंगे? हा? अरे ये कौन सी हमारी प्रॉपर्टी लेके भागा जा रहा है? मैडम हमें सिर्फ दिक्कत है इसकी बदतमीजी जुबान से, ये अनाप शनाप जो बकता है ना, इससे दिक्कत है। देखो जी, अब चाहे तुम पुलिस बुलाओ या फिर मिलिट्री, इस घर में या तो बदतमीज तोता रहेगा या फिर हम। भैया 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 भैया, एक सेकंड, शांत शांत, हमारा कोई से पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, अगर आप बुरा ना माने हो तो आपके तोता सिखाना था बबलू, बबलू में से दो मिनट बतिया सकते हैं हम? हाँ हाँ, हम बात कराते ना आपकी। जी जी, करवाइए करवाइए। बबलू 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 मेरा बच्चा। अच्छा थोड़ा गाली बोलिए तो। कैसे गाली बोल दिया, ई वाला गाली नहीं, जब दो इंसान आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे के लिए जो अपशब्द निकालते हैं वो वाला गाली बोलिए, वो वाला गाली, वो वाली गाली। देख लिया भैया, कोनो गाली वाली नहीं बकता हमारा तोता, ये जो है बिल्कुल सीधा तोता है, सीधा गऊ तोता है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि हमारी धर्म पत्नी ही झूठ बोल रही है। अच्छा, अरे मैडम हम आपको क्या बताएं, ये ना तोता बहुत ही घुन्नई तोता है, अपना असली रूप नहीं दिखाएगा सबके सामने, अगर आपने इसकी गंदी भाषा सुन ली ना तो आप सबके ना कान लाल हो जाएंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे घर में नहीं रहने देंगे। और हाँ, ज्यादा चू चपट की ना तो एक फोन घुमाएंगे गांव में, पूरा कुनवा इकट्ठा हो जाएगा और इस घर से निकाल देंगे दोनों को। दोनों को? हाँ,
तुम दोनों को, तुम्हें और तुम्हारे इस लाडले तोते को भी, समझे? कान खोल के सुन लो। भाभी किसी आ गई? बहन जी, बहुत ही जिद्दी औरत है ये, जो कहकर गई है ना करके ही मानेगी। भैया ये डायन है, ये औरत मेरे बबलू को खा जाएगी। अगर हमें बबलू को कुछ हो गया ना तो हम अपनी जान दे देंगे। आप प्लीज इसे अपने साथ ले जाइए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। प्लीज प्लीज इसको ले जाइए, वरना एक दो दिन में टंटा खत्म होती है, हम आपसे ले जाएंगे। हम लेके जाते हैं, लेकिन एक दो दिन में आप प्लीज वापस आ जाना। जी जी, मैं पक्का आ जाऊंगा। बहुत ही नाजुक जान है, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, हमारे प्राण बचते हैं इसमें, प्लीज। ठीक, चलिए संतू, चलिए। थैंक यू बबलू। पुष्पा जी, आपको मालूम है तोता ना बोलता भी है? हाँ? सही में? रुकिए, हम दिखाते हैं। एक मिनट, मैं रिकॉर्ड करूँ। दोस्त बताओ, जो सुंदर सी कन्या बैठी हुई है, ये शादी तो करेंगी ना हमसे? शादी करेंगी हमसे? हमसे हमसे भाई, हमसे हमसे। अरे बे मर दे, तुमसे कैसे, हमसे यार, हमसे यार। करवा ली बेइज्जती निठल लेके का। मुंडी बदनाम की तरह बदनाम तेरे को बुला। तेरे को बोला? अरे चुप करो तुम दोनों, चुप करो। तुम्हारा नाम क्या है? बोला। अरे अरे, जय जैन, ये कौन है? अरे आजा आजा, जा जा मैडम सर के पास, जा 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 जा। अच्छा एक सेकंड, ये पकड़ो। जाएगा जाएगा मैडम सर, मैडम सर। आपको पता है मैडम सर, ये जो तोता है ना, ये बोलता है। हाँ मतलब तोते तो सभी बोलते हैं, मगर ये बातें दोहराता है। हाँ आप कुछ बोलिए, देखिए वो कैसी आपकी बात दोहराता है। अच्छा ऐसा क्या? तो बोलो हसीना। का चल रहा है ये सब? हाँ काम नंदा छोड़ के सब तोताबाजी में लगे हुए। ये तोता यहाँ क्या कर रहा है? भेजिए इसको वापस। थाना में बहुत बहुत दुर्लभ जीव जंतु हैं और नहीं चाहते हमारे थाने में, समझे? चिड़ियाघर नहीं बनाना है हमें थाने को, भेजिए इसको वापस। ये तोता कहीं नहीं जाएगा। पर मैडम सर, ये करिश्मा सिंह, दैट्स एन ऑर्डर, ये तोता कहीं नहीं जाएगा। जी मैडम सर, ये तोता यहीं रहेगा। तुम आओ, अंदर तुमको बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने तो अपना मुंह तक नहीं खोला। आप तो जानती है ना हम कितने भोले भाले, हमारी कहाँ इतनी हिम्मत होती है। तो कौन बोला? मैंने क्या किया है? बदतमीज बोलते हो, हमें नच्चड़ी बोलते हो, तुम्हारी इतना हिम्मत? पागल बोले बे, हूँ क्या मैं जो आपकी बेइज्जती करूंगा? मैं भरी जवानी, मैं कुंवारा नहीं, मरना है मुझे। ना तो तुमने नहीं बोला ना? तो फिर किसने बोला? आई डोंट नो। ना ना मैडम, इस बार तोता ही बोला है। हाँ, तोते ने इस बार। लाओ इसको थाने में, लाओ इसको बताते हैं। हाँ भाई, टोपाओ का तोता है तो तोता टोपा नहीं हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। और तुम मांगो माफी, माफी मांगो हमसे अभी अभी। बोलो बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी बोले मेरी जुत्ती। चल भाग, चल भाग, चल भाग। गजब तुम्हारी मैया की सासू मैया। हाँ इसको इसको बाहर लेके जाइए ना, क्यों हमारे सामने आई है, इसको लेके जाओ। चीते कृपया शांतता ठेवा। क्या रे चटक चांदनी, ये तोता है, इसको क्या मालूम कि इज्जत क्या होती है और बेइज्जती क्या होती है। ये तो इंसानों के बनाए हुए चोचले हैं, काय के लिए बेचारे पे भड़क रही है। कितना क्यूट है ये।
जितना भी क्यूट है अपने घर पर होगा क्यूट, इसको बाहर निकालो यहाँ से बस। ये क्या कह रहे हैं आप? वहाँ वो किशन की बीवी इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और एक ही दिन की तो बात है ना, कल किशन आके अपना तोता लेके जाएगा, एक दिन के लिए तो थोड़ा तो धैर्य रखिए ना। हम जा रहे हैं जरूरी काम से बाहर, जब वापस आएंगे तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो सबका लाइन हाजिर कर देंगे, बता रहे हैं सबका। पुष्पा जी हमारे आने से पहले तक। हाँ अनुभव सर, अनुभव सर, क्या हुआ सर? आप दोनों इतने आंदोलित प्रतीत क्यों हो रहे? आंदोलन बोले तो आंदोलन, बोले तो आंदोलन, जोश में परेशान होगा क्यों नहीं होगा, अंदर आओ अंदर आओ, बैठ 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 इधर बैठ। अनुभव सर का घर है, अनुभव कर ले। सर ये क्यों परेशान नहीं होगा? पहली बार ये लड़का एक लड़की के साथ डेट पे, और लड़की कौन? उर्मिला महादेव मात्री के साथ। फिर आपने भी चीटिंग किया, इसका लव गुरु किसे बनाया? मुझे, जिसके पास लव नहीं है उसको गुरु बना दिया, तो ये गुरु इसको अभी क्या देगा? लेकिन सर मैंने कोशिश की, रट्टा मार के याद करवाया। ए बोल ना सर को, दिखा एक नमूना दिखा। तेरे दिल के लॉकर पे अपुन की मोहब्बत का कॉम्बिनेशन लगा ले, मेरे दिल के तिजोरी से मेरे सपनों का सारा माल उड़ा ले, प्यार के चोर बाजार में ये आइटम सबसे महंगा मिलेगा, किधर भी ढूंढेगी दिल के मामले में ये हिस्ट्री शीटर, किधर नहीं मिलेगा, किधर नहीं मिलेगा, किधर नहीं मिलेगा। वाह क्या रोमांटिक लाइन है, आपने तो आपका पूरा कैरेक्टर इन पंक्तियों में रख दिया श्रीमान। शुक्रिया शुक्रिया सर शुक्रिया, बस एक कमी रह गई है, आपकी वो हीरो वाली बात है ना वो इसमें नहीं है। सर आपका चश्मा दे दीजिए इसको, बस ये हीरो लगेगा, फिर तो उर्मी क्या उर्मिला मतोंडकर भी इसके प्यार को इनकार नहीं कर सकती। अवश्य अभी आते हैं। अवश्य बोले तो अवश्य, आज के युग का डेफिनेटली आए सर। ये लीजिए प्रभु जी, संभल के महंगा है। लगा लो। लगा नहीं, लगा नहीं। प्रभु जी एक बात बताइए, अब तक उर्मिला आपसे दूर भाग रही थी, तो फिर अचानक से आपके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार कैसे होगी? सर मेरी ट्रेनिंग की वजह से है। नहीं लेकिन ट्रेनिंग तो अभी शुरू है ना, मानी तो वो किसी और ही वजह से। किस वजह से? ये क्या है? ये उर्मी का लॉकेट है, ये तो चीज है जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैडम बदनाम चाहे तो भागो रे भागो। चीते? हाँ मैडम। तोता गया? मैडम 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 नमस्कार नमस्कार, मैं रिपोर्टर विक्रांत कुमार एनडीकेजे न्यूज विस्फोटक संसार से। तो मैडम मैं ये जानना चाहता था कि एक तोते से बेइज्जत होकर आपको मतलब कैसे लग रहा है? शहर की सबसे विस्फोटक दबंग पुलिस ऑफिसर का सारा भौकाल एक तोते के सामने बेकार हो गया। किसने बताया आपको तोते के बारे में? मुझे क्या सारे शहर को पता है, अरे आपकी वीडियो पूरे शहर में वायरल होगी मैडम, हमको कैसे नहीं पता, देखिए देखिए। मैडम बोलो बोलो सॉरी बोलो। सॉरी बोले मेरी जुत्ती, चल भाग चल भाग चल भाग। मैडम क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में आप? मैडम मैडम बाइट, मैडम बाइट तो दीजिए मैडम, मैडम ऐसा पहले, अरे क्या बाइट कर लेंगी। आया ना मजा? हां बुआ जी पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता ही है। हां शेर को सवा शेर मिलता ही है, देखा ना हां, ऐसे एक तोते ने शेरनी की सारी हेकड़ी निकाल दी। निकाल दी बुआ जी, निकाल दी निकाल दी, बीसी निकाल दी इस महीने की भी। फोन दीजिए फोन दीजिए जी। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह जी अभी थोड़ा व्यस्त हैं, काम कर रही हैं, थाने में हैं, तो आपसे थोड़ी देर बाद में बात करते हैं।
नहीं नहीं, आपकी बहन की बहू करिश्मा सिंह नहीं, एसआई करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, बाद में बात करते हैं, प्रणाम। हमारा वीडियो किसने डाला, किसने अपलोड किया हमारा वीडियो? आपका कहा, हम तो तोते का वीडियो अपलोड कर रहे थे, आप बीच में आ गए तो हम क्या करें? देखिए ऐसा है ना कि ज्यादा चंट बनने का प्रयास हमारे सामने आप कीजिए मत। हाँ, मत पापा हुआ, अभी बुद्धि बता रहे हैं। मैडम, एक गजब जी की आते, ये अंदर कैसे आए? मैडम 10 बार इनको समझाएं मानेंगे तब ना संतोष जी को। थोड़ी देर मैडम, तपी हुई बहू और पंगीबाज सास, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं फक इस तोते के कारण हम और किसी मुश्किल में आए, उससे पहले इसका इलाज करना होगा। इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगी? यही तो है ना मैडम, मैडम इसका इंटरव्यू मिलेगा मुझे? तो संतु, हाँ हमने तुम्हें कहा था ना, इनका वो कौन है, वो उनका मालिक किशन, उनको बुलाया कि नहीं बुलाया तुमने? हाँ अब बुला लिया है, वो बस आते ही होंगे। अली जी आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। आइए आइए, आपकी का ही इंतजार है, ये अपने बदतमीज वाचाल तोते को लेके अभी के अभी यहाँ से जाइए। मैडम क्या हुआ, आप कहा इतनी नाराज है हमारे बबलू से? माँ बबलू जो है ना वो तोता नहीं है, कौआ है, कुछ भी बोलता है, गालियां गलौज करता है और पता नहीं क्या क्या नहीं बोलता है। इस तोते को लेकर अभी कभी यहाँ से जाइए, अगर आप इसको लेके नहीं जाएंगे तो हम आपको अंदर डालेंगे। हमें क्यों मैडम जी, हमने क्या किया है? क्या किया है अम्मा, तुम ही नहीं सिखाया होगा ना गाली गलौज इनको? नहीं 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 मैडम, देखिए ये झूठा इल्जाम है हम पर, हम ऐसा कुछ नहीं सिखाए हैं इसको। और मैडम ये ना तोता है, ये इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, ये जो भी सुनता है ना वो बोलने लग जाता है। अच्छा अच्छा, ओ मैडम ये हो सकता है कि जब हम शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बीवी को अकेले में लताड़ते हैं, गाली देते हैं ना, शायद तब इसने हमारी बातें सुन ली और ये बोलने लग गया। छी 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 छी, तुम तुम्हारी पत्नी की पीठ पीछे उसके लिए इतनी गालियां बोलते हो? मैडम जी हम पत्नियों के सताए हुए पति ना सब यही करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात बोली है। हाँ तो मतलब यहाँ से बह रही है इतने दिनों से गालियों का झरना, मतलब मुझे कहने और सुनने के लिए नया तरीका निकाला तुमने, वाह। अब सामने तो कुछ कह नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसीलिए पीछे से ही अपने मन की भड़ास निकाल लेते, तो क्या मन की भड़ास भी नहीं निकालने दोगी तुम? मन की भड़ास निकालो चाहे कुछ भी कहो, मगर ये बवाल, ये तोता मेरे घर वापस नहीं जाएगा। ये तो घर जाकर रहेगा, हम देखते हैं। लाइए हमारा दीजिए तोता, ये बवाल घर नहीं जाएगा। एक मिनट, ये तोता यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। काहे काहे नहीं जाएगा? क्योंकि अब ये तोता हमारी हिरासत में है। मैडम हिरासत में? जी हाँ, क्योंकि हमने इसे औरतों का अपमान करने के इल्जाम में गिरफ्तार करने की सोची है, इसलिए जब तक इसकी चार्जशीट नहीं बनती, एफआईआर नहीं बन जाती, ये तोता कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा। चीता चतुर्वेदी चार्जशीट लिखिए और संतोष शर्मा एफआईआर बनाइए। जी। क्या तमाशा लगा के रखा है, तोते को भी कभी गिरफ्तार किया जाता है क्या? सारे शहर में हमारा थाना मजाक बन के रह जाएगा, सब खिल्ली उड़ाएंगे हमारी। पुष्पा जी मीडिया मीडिया है। मैडम मैडम सुनिए तो, पर मैडम हमारा तोता तो देखिए महिला पुलिस थाने का इतिहास, या यूं कहिए कि पूरे पुलिस विभाग में ये पहला इतिहास है जहां एक तोते को महिला के अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। शुरुआत तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन आगे देखना है कि इस केस का अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं विक्रांत कुमार, एनडीकेजे न्यूज, लखनऊ।
माफ कीजिएगा मिट्ठू मियां, आपको गिरफ्तार करने का नाटक करना पड़ रहा है। आई एम श्योर कि बहुत जल्द आपको इसके पीछे का मकसद भी समझ आ जाएगा। हम पर भरोसा रखिए। समझ क्या रखा है इसने खुद को अपने आप को? तारीफ के दो शब्द क्या बोल दिए, इसका दिमाग खराब हो गया है। बताओ, तोता अरेस्ट कर लिया, पूरा पूरा का पूरा चूरन करके रख दिया हमारे थाने का इज्जत, सारा शहर उपहास उड़ा रहा है हमारा, इसका तो हम कहाँ है काम? महिला थाना हाय 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 हाय, महिला थाना हाय 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 हाय, हमारा तोता वापस दो, वापस दो, वापस दो, मेरा तोता वापस दो, वापस दो, वापस दो। आंटी क्या शांत, अभी क्या बात हो गया? देखिए, हम एनिमल राइट्स वालों को साथ में लेकर आए हैं, अगर हमारे बबलू को रिहा नहीं किया ना तो आप लोग कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। देखिए, हमको भी शौक नहीं है अपने थाने को चिड़ियाघर बनाने का, आप अपने तोते को वापस ले जा सकते हैं, आइए हमारे साथ। सच्ची, आप लोग रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। देखो क्या हो गया, अब करिश्मा मैडम बताएंगी क्या हुआ, बचा खुचा 24 बाल भी नोच देंगी। आइए आप आइए, और ये लेके जाइए, तोते का टंटा ही आज खत्म करते, दिमाग खराब करके रख दिया है। जय हिंद, जय हिंद, तोता वापस दो। काका काका क्या अंग्रेजी कुछ बोल दी जो समझे में नहीं आ रहा है, तोता वापस दो। नहीं दे सकते हैं। अच्छा, काहे नहीं दे सकते भैया तोता वापस? कौन भाग गया? तोता भाग गया मैडम। कहाँ? दिखा दे। का? ये का की आप लोगों ने हमने बबलू को भगा दिया। एक मिनट भैया, चिल्लाने से कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है, हम लोग नहीं भगा है। तोता नहीं संभला तुमसे? हाँ, एक मिनट भगा है। ब्रेकिंग, 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 ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस की हिरासत से एक मुलजिम तोता फरार। पुलिस की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का एक और सबूत, महिला पुलिस थाने के सर पर एक और एक काला धब्बा, तोता फरार। ए, कोई फरार नहीं हुआ है, इन सब ने मिलकर मार दिया हमारे बबलू को। ये पुलिस वालों की साजिश है, ये हथियार है हमारे बबलू के। देखिए दोस्तों, देखिए, तोते के मालिक का पुलिस के ऊपर संगीन आरोप। देखिए, पुलिस ने किए इनके तोते का फर्जी एनकाउंटर, यह सब पुलिस का षड्यंत्र। दोस्तों, इस बेगुनाह और एक मासूम तोते की कहानी आगे क्या रंग लाएगी, मामला बहुत दिलचस्प है। भर जाइए अभी के अभी, हमें इस मामले को देखना और आपका तोता आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, भर जाइए। हम बता रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं आप सबको। हो गया, जाइए जाइए, छोड़ेंगे नहीं। हमारे बबलू को मार दिया, हम छोड़ेंगे नहीं, कानूनी कार्रवाई करेंगे तुम पर। देखिए, बात अब आ गई है हमारे थाने की प्रतिष्ठा पर, ठीक है, हमें इस तोते को कैसे भी करके ढूंढना होगा ना। अगर इंसान होता तो संतु क्या करती, उसका फोन नंबर ट्रैक करती और उस इंसान के पते तक पहुंच जाती और हमें भी पहुंचवा देती। पर यहाँ बात आ गई है तोते पे, इसकी मैया का उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया है। अब हमें ये सोचना है कि तोता अगर उड़ के जाएगा तो वो जाएगा कहाँ, वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे उसको उसके हिसाब का वातावरण मिले, है ना। जैसे कि वो देखिए, जू देखिए, ये पार्क देखिए, ये गार्डन देखिए, हाँ, ऐसी जगह वो जाएगा जहाँ पे पेड़ पौधे हो, हरियाली हो। तो हमें कैसे भी करके उस तोते को पकड़ना है, थाने में लाना है, सब अलग अलग जाएंगे और इस केस को अंजाम देंगे, समझ गए सब हमारी बात? जी मैडम। मैडम, पुष्पा जी नजर नहीं आ रही, वो बाथरूम में नाते नाते फिसल गई। माँ ठीक तो है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी माँ को? हाँ, आराम से बेड पे बैठ के अंगूर पेल रही हैं और सामने देख रही हैं सास बहू और साजिश, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक दो दिन में वापस आ जाएंगी। फिलहाल हमें यार हमें इस केस पे रहना है और तय करना होगा कि कौन किसके साथ जा रहा है। चीते, तो तय क्या करना है मैडम, तो ऊपर वाला तय करके भेजा है कि हम और संतु जी साथ में जाएंगे। संतु? नहीं, मेरा मन नहीं मैडम। नहीं, हम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उस तोते का फोटो डाल दो और उस पे लिखो कि जो ये तोते को ढूंढ के हमारे थाना में लाएगा उसको महिला पुलिस थाना 5,000 रुपए नकद देंगे, नकद। 5,000? हाँ, इसमें तो मैं खुद तोता बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया, 5,000 रुपए कमाने हैं? हाँ बिल्ले, बोलना। ठीक है, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, बबलू को ढूंढो। बबलू कौन है रे? कोई भी हो, कोई भी हो, फोटो दो, नाम पता, हम ढूंढ के लाएंगे। हाँ,
अरे बबलू बागड़ बिल्लू बबलू रे मिठू। अरे वो तोता। हाँ इधर उड़ गया। हाँ उड़ गया। अगर तुम दोनों ने उस तोते को ढूंढ लिया तो 50-50%। क्यों 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 ढूंढेंगे हम 50%? तुम्हारा क्यों? हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना। हाँ और तुमने अकेले पकड़ा तो 100% मेरा। हैप्पी वैलेंटाइन डे संतु जी। ड्यूटी पर अच्छी थे तोता ढूंढने निकले हम। संतु जी तो दुर्भाग्य का प्रकाश दुर्भाग्य का पराकाष्ठा है ना। सब लोग तोता मैना बने पड़े हम लोग यहाँ पर खड़ा होकर तोता ढूंढ रहे हैं संतु जी ना। सैड बात है। मैडम ये मिर्ची और अमृत दिखा के तोते को पकड़ने का आइडिया किसका है? बहुत ही घटिया वाहियात आइडिया। हमारा है। आपका ब्रिलियंट सुपर आइडिया है। पूछताछ करेंगे आप? हाँ करेंगे पूछताछ। भाई साहब कोई अब कैसे दिए? क्या कैसे दिए? अमृत आधा किलो कैसे दिए? अबे सड़े हुए अमृत के शक्ल वाले इंसान मिक्सर में डाल के पूरा निचोड़ लूंगा तुम्हारा रस निकल ले चल। मैं नहीं पता था तो हमारा टाइम का वेस्ट किया। जाओ ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? सीटी बजा रहे। सीटी बजा रहे हो? दाना डाल रहे हैं। दाना दाना डाल रहे हो? अरे नहीं फंसा रहे हैं। अब लड़कियों को फंसा भी रहे हो? अरे देवी जी तोता क्या हुआ? अरे ये हमें छेड़ रहा है तो देख क्या रहे हो? मारो ही नहीं। पुलिस मौके वारदात पे पहुंची है। और ये तू पकड़ बिल्लू मारो। अरे बिल्लू अरे बिल्लू क्या कर। एक्सक्यूज मी लेडीज एक्सक्यूज मी। कानून अपने हाथ में मत लेना। कानून आपके सामने खड़ा है। मैं मैला पुलिस थाने का मेंबर हूँ। मैं देखता हूँ इनको। ए खड़े हो जाओ। चलो चलो आप सुरक्षित हो। आप डरना मत। मैं हूँ। थैंक यू भैया। अरे तुम्हारा डैडी का ससुर डैडी मारू। आप जाओ अपने अपने घर जाओ सुरक्षित हो। तोता तक डेट पर चला गया। संतु जी पता नहीं हम कब डेट पर जाएंगे। क्यों फिक्र करता है? हूं ना मैं। आप हैं संतु जी? हाँ। संतु जी क्या खड़े खड़े सो क्यों रहा है? तुझे कह तो रही हूँ फिक्र मत कर। मैं हूँ। मैं ढूंढूंगी तेरे लिए लड़की। चल तोता ढूंढ ले। तोता मिला? अमा उसको ढूंढो वरना सबके तोते उड़ा देंगे हम बता रहे हैं तुमको। अमा ओ ओ ओ कहां? अरे सटक चंदी क्या बोलती पब्लिक क्या कर रही इधर? मैं तो ऐसा ही शॉपिंग बिकिंग करने आई थी। तू क्या कर रही इधर? एक मिनट तुम्हारे फैलाए रायते हम समेट रहे हैं और तुम यहाँ शॉपिंग वीपिंग करने आई हो। हाँ पूरा शहर हंस रहा होगा। मैं तोते ढूंढने में लगे हुए हैं गली मोहल्ले में। हाँ मजाक बना के रख दे तुमने हमारे थाने का। तुमने तोते को गिरफ्तार किया फिर तोता जो है वो हिरासत से भाग गया। वाओ। हाँ रे देखा मैंने न्यूज में। मतलब किसने कहा था ये बेवकूफी करने के लिए तुमको? कौन तोते को गिरफ्तार करता है अमां? अरे तो और क्या करती मैं? वो औरत को देखा ना तूने कितनी खतरनाक है। उसका तंदूरी बना लेती तो इसके लिए नहीं भेजी। और वो तोता क्या शाना क्या वाहियात जवान है उसकी। मैं उसके सामने शरीफ है बोल। अच्छा 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 अरे मैं क्या सोची सुन कि वो थोड़ा थाने में रहेगा तेरा भोकाल बिकाल देखेगा तो सुधर जाएगा। अच्छा मतलब पुलिस वालों को और कोई काम नहीं है वो तोते कौओं को जो है सुधारने बैठेंगे। हाँ मैं तुम्हारे दिमाग क्या बिल्कुल जड़बुद्धि हो गया है क्या? आज चूरन हो गई हो क्या तुम? ए तटक चांदनी पहले बोलिए मैं चूरन बिरन बोलने का नहीं मेरे को रिस्पेक्ट से बात करने का रिस्पेक्ट से। और क्या करती रही मैं? उस वक्त थाने में नया केस आया था वो मीडिया लोग पीछे खड़े थे तो उस वक्त मेरे को जो सही लगा वो मैंने किया। तेरी हसीन दुलरुबा होती ना तो वो भी यही करती। अच्छा किसने कहा ऐसा करती? बिल्कुल ऐसा नहीं करती वो। इस केस को आराम से सॉल्व करती वो। तो मैंने क्या और अलग किया रे? वही तो किया। सुलझा केस सुलझा तुम्हारा। बस एक स्टेप और अगले स्टेप पे गारंटी सक्सेस। कैसे? मैडम सर हमारे 5,000 रुपए दे दीजिए प्लीज। कमाओ तुम्हारे किस बात के 5,000? बताइए दादा। ओए अरे मैडम इनाम के और किस बात के? आपने खुद बोला था कि जो तोता पकड़ कर लेकर आएगा उसे हम 5,000 रुपए इनाम में दिया जाएगा। दीजिए। कहाँ है तोता? ये रहा तोता। मिठू मैडम को हेलो बोल। हेलो। एक मिनट ये है। हाँ तो लेट गुड मॉर्निंग। ये मिल गया? दिखा। कहाँ गए थे तुम? है क्या रे नीले कोमड़े उल्लू बना रहा मेरे को तू? ये वो तोता नहीं है। लोमड़े है? अरे मैडम सर ध्यान से देखिए वही तोता है। ये कढ़ाई की कुर्चन देगी एक रख के। बोला ना ये वो तोता नहीं है तो नहीं है। ये पक्का वो तोता नहीं है? 100%। मैं देख के बता सकती है वो तोता है इच नहीं। ये
बहुत बढ़िया, काम बन गया भाई। क्या रे चटक चांदी, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तू कोई शॉर्टकट सोच रही है ना, बोल मेरे को। हाँ जी, आपका तोता हमको मिल गया है। बिल्लू, इनको इनका तोता वापस दीजिए। बदनाम, इनका तोता इनको वापस कर लो। अब भी लाया। जाओ 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 जाओ। ये लीजिए हमारा बबलू। थैंक यू मैडम। ठीक है, अब आप कटिए, जाइए यहाँ से। पतियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। शांत शांत एकदम। क्या चल रहा है भैया? हाँ खबरदार मैडम, अगर आपने ये तोता हमारे पति को वापस दिया तो ईंट से ईंट बजा देंगे स्थानीय की। ये तोता अब हमारे साथ वापस घर नहीं जाएगा। देखिए ऐसा है, आपकी धमकी का तो हम बना देंगे बत्ती। समझ गए हमारी बात को? करिश्मा मैडम थोड़ा देखिए, आपके तोते को हमने तमीज तहजीब सब सिखा दिया है, बहुत ही संस्कारी तोता बना दिया है उसको। वो एक भी बदजुबानी नहीं करेगा। निश्चिंत होकर घर जाइए, आप जाइए। कैसे मान ले मैडम कि अब ये घर जाके और बदतमीजी नहीं करेगा? एक मिनट बबलू, सॉरी बोलो। देखा देखा कितना अच्छा तोता है, कहाँ था ना सुधर गया। देखिए सॉरी बोल रहा है, बताइए कहाँ मिलेगा ऐसा तोता आपको? अगर इस बबलू ने आपको कुछ ऐसा बोला उल्टा सीधा तो आप हमारे पास आइए, हम फिर इस पे कार्रवाई करेंगे, क्या समझे? अभी आप सब लोग जाइए। थैंक यू मैडम। एक मिनट इधर आओ, अगर दोबारा तुमने इसे हमारे खिलाफ कुछ सिखाया ना तो फिर देखना। अरे हम क्यों सिखाएंगे ऐसे कुछ, हमें क्या जरूरत है ऐसे कुछ सिखाने की? अब जो भी बोलना होगा ना मुँह पे बोलेंगे। मुँह पे मतलब तुम हमसे दोबारा झगड़ा करोगे? हाँ झगड़ा हम करते हैं, तुम करती हो। हम करते हैं झगड़ा, और जो हर बात में बदतमीजी करते हो, जो मालिक होने का धौंस दिखाते हो उसका क्या? अमां भग, कटो यहाँ से वरना दोनों को दोनों अंदर कर देंगे, अभी बता रहे हैं। जी मैं। एक मिनट मैडम, इस बात की गारंटी आप लेती है कि हमसे दोबारा बदतमीजी नहीं करेगा? और इसने दोबारा बदतमीजी करी ना तो हम आपको पकड़ेंगे, आप गारंटी लेती हो? हाँ ठीक है। हमारा बबलू है, इसका मतलब आपने हमको उल्लू बनाया और हमारे बबलू के नाम पे हमें कोई भी तोता टिका दिया। नहीं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, वो हम देखिए दोस्तों सनसनीखेज खुलासा, महिला पुलिस अधिकारी की एसआई करिश्मा सिंह ने बनाया बेचारे फरियादी को बेवकूफ। अरे रे रे चुप ना यार, इतना सीरियस केस चल रहा है, ऊपर से तुम माथा पर माइक लेके नाच रहा है, चुप ना। माइक छीन लो, लाइए दीजिए हमारा बबलू हमें। अरे ऐसे कैसे, ये हमारे घर में वापस नहीं आएगा तोता? अरे घर पे नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा, घर का सदस्य है वो। अगर ये घर में वापस आए ना तो हम सच में घर छोड़ के चले जाएंगे तुम्हारा, और इसे ना हमारी धमकी ना समझेगा किशन बाबू, हम सच में तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे? अच्छा मैडम तुम क्या मुझे तलाक दोगी, मैं ही तुम्हें तलाक देता हूँ, समझी? हाँ हाँ हलुआ है ना जो तुमने बोला, हो गया तलाक, पूरा गुजारा भत्ता लेंगे तुमसे, इतना पैसा प्रॉपर्टी है ना उसका 80% अब भी चाहिए मुझे। अच्छा तुमने बोला और हो गया, बाबा जी का राज है क्या? अब तो ये मामला जाएगा कोर्ट में और कोर्ट ही बताएगा कि तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, समझी? हाँ हाँ तो डरता कौन है, सीधे मिलेंगे तुमसे कोर्ट में, तुमसे और तुम्हारे राक्षस तोते से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शांति शांति शांति, आप दोनों को एक दूसरे से तलाक चाहिए बराबर? हाँ। हाँ। तो अभी खाली ये डिसाइड करने का है कि ये तोता जो सोने का अंडा देता है वो किसको जाएगा? सोने का अंडा, सोने का अंडा। अरे तुम्हारा ये तोता सोने का अंडा देता है, तुमको नहीं मालूम था? देखिए महिला थाने का नया प्रपंच, तोता देता है सोने का अंडा, ऐसा कहना है महिला पुलिस थाने की SHO हसीना मलिक का। दोस्तों आज तक अपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहावत तो सुनी होगी, लेकिन अब देखते हैं सोने का अंडा देने वाला तोता। एक शब्द और बोल दिए ना तो आपके पेट में छेद करके पंचर कर देंगे आपको। नहीं और तुम लोग को यकीन,
ठीक है, मैं तुम लोग को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगी। इधर नहीं, अंदर। अब हम आप सबको दिखाएंगे कि ये तोता आपके घर पे सोने का अंडा क्यों नहीं देता। चीता और संतोष, अब आप लोगों को वैसा करना होगा जैसा हम कहेंगे। जी जी मैडम। जी मैम। तो अब आप दोनों को समझना है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मैडम सर प्लीज नहीं। संतोष। अरे बस एक्टिंग करनी है, और वो भी वैसे हस्बैंड एंड वाइफ की जो बिल्कुल झगड़ालू है, एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते और गाली गलौज करते हैं। ओके रेडी, बस थोड़ी देर की बात है। ठीक ठीक मैडम, हस्बैंड वाइफ काफी है। एक्शन। क्या ऐसे क्या देख रहे हो, काम हुआ? काम कौन सा काम? ओ, तो अब तुम्हें काम भी याद नहीं, पूछ रहे हो कौन सा काम? तो तुमको हमको काम देने के अलावा और कोई काम है? 24 घंटा काम देती रहती हो हमको, कितना ज्यादा काम देती हो। हाँ, खुद का काम नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे घर का ही काम है, तुम्हारा ही काम है। ये घर तुम्हारा भी है? कौन सा घर? हमारी औकात कोई है इस घर में? इस घर में एकदम पोछा की तरह समझती हो तुम हमको? तुमने कौन सा मुझे अपने पलकों पे बैठा के रखा है? ठीक है, नहीं रखना पलकों पर बिठा कर, तो शक्ल नहीं देखनी हमको तुम्हारी। मैं कोई मरी नहीं जा रही तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखने के लिए। हाँ ठीक है, फिर बाहर में जाओ। तुम बाहर में जाओ। नक्चढ़ी, बदतमीज, चुड़ैल, डायन, घटिया, थर्ड क्लास चीप। तो क्या रे? देखा सुना सबने, तोते का मूड ही खराब कर दिया पूरा। अब मूड खराब होने पर दुकानदार नॉर्मल अंडा नहीं देता, ये सोने का अंडा कैसे देगा? अभी देखो, अभी हम जय हिंद। क्या सही टाइम पे एंट्री मारी है। मैं अभी जस्ट बोलने ही वाले थी कि अगला जो हम करने वाले उसके लिए मेरे को एक हस्बैंड की जरूरत है। अभी तुम आ गए हो तो अभी हस्बैंड तुम ही बनोगे। नहीं नहीं, हम कहाँ। मना मत करिए, देखिए सर केस सॉल्व होने वाला है, प्लीज। तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं, हमें बस हस्बैंड और वाइफ होने की एक्टिंग करनी है। ऐसे हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं, एक दूसरे से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं और बहुत ही अदब और तहजीब से एक दूसरे से बात करते हैं। हमें बोलना क्या है? वही जो दिल से निकले। दिल में बस यही है कि किस तरह हम आपसे अपने किए की क्षमा मांगे, किस तरह आपके उन घावों पर मरहम लगाए जो हमने आपको दिए हैं, किस तरह उस एक एक असहनीय पल का कर्ज चुका पाए जो हमारी वजह से आप झेलती आई हैं, किस तरह हम उस गलती के बोझ से छुटकारा पाए जो आज तक हम अपने मन में लिए घूमते रहे हैं। काश हम समय का चक्र पलट पाते और वो सब कुछ ठीक कर पाते जो हमने बिगाड़ दिया है। सबके अपने दर्द अनुभव, अपने बोझ, अपने गिल्ट। हो सकता है हम भी अपने आप को आपके उतने ही गुनहगार मानते हो जितना आप मानते हैं खुद को। हो सकता है कि हमें भी उन गलतियों का, उन गलत फहमियों का पछतावा हो। हम भी उनके लिए माफी मांगना चाहते हो जो अनजाने में हमसे हो गई। हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर से हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हर पल आपको यह एहसास करवाएंगे कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं हसीना जी। आई लव यू। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं अनुभव। आई लव यू टू। आई
तो एहसास है जो हमें यकीन नहीं करने दे रहा है कि आप हसीना नहीं उर्मिला है। अरे वाह, क्या बात है, आप तो काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। उर्मिला मात्रे तू भी कम नहीं है चिक्कू। मैडम देख लिया आपका प्यार का फंडा, लेकिन कहाँ है सोने का अंडा? अंडा? हाँ। What सोने का अंडा? अरे अभी इसने जो तीन बेशकीमती शब्द कहे हैं वो क्या सोने से कम है? आपने बिल्कुल सही कहा था मिस्टर किशन, ये एक तोता है, एक पक्षी। इसकी फितरत ही ऐसी है कि इसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो देखता है सुनता है अपने आप सबके सामने दोहरा देता है, बिल्कुल एक मासूम अबोध बच्चे की तरह। तजुर्बा कहता है हमारा, परवरिश माहौल और परिवेश, जानवर हो पक्षी हो या फिर इंसान, ये तीन चीजें ही उसे अच्छा या बुरा या सही या गलत बनाती हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने घर में कैसा माहौल रखना चाहते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा वो कहेगा। हर केस को जज्बात के नजरिए से सिर्फ हसीना मलिक देखती थी, पर यही नजरिया उर्मिला का कैसे हो सकता है? सही कहा मैडम जी आपने, कमी हमारे एक तोते में नहीं, हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में थी। आज ये तोता था, कल को अगर हमारी संतान होती तो वो भी हम पति पत्नी को यूं लड़ाई झगड़ा करते देखकर क्या सीखती हमसे? यही ना, झगड़ा, अपमान, नफरत। अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि अगर हम आज चूक गए तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। हम ये बात अच्छे से समझ गए, क्यों पिंकी जी? जी हमको भी मैडम जी, हम वादा करते हैं हम आज के बाद कभी नहीं झगड़ेंगे। आई लव यू पिंकी जी। आई लव यू टू। आई लव यू, आई लव यू। देखा दोस्तों, SHO हसीना मलिक ने फिर एक बार ये दिखा दिया है कि सच में इस पुलिस थाने में एक ऐसी जादू की छड़ी है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे सकती है, बिछड़े दिल और टूटे रिश्तों को फिर एक बार हिला सकती है, और ऐसे इस महिला पुलिस थाने को हमारा दिल से सलाम। हमारी तरफ से भी। अरे सर, प्रभु जी आप, क्या बात है, आप तो बहुत ही अच्छे और मनमोहक लग रहे, बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह। सच्ची में सर, एक्चुअली सभी लोग अपन को बोलते हैं ना सर, साइड से अपन ऋतिक जैसा दिखते हैं। अरे हाँ, ये साइड से ऋतिक, ये साइड से शाहरुख, क्या बात है, आप तो छा गए प्रभु जी। वैसे रिशा, रिशा कौन? ऋतिक शाहरुख। ओ अपन ऋषा, एक बात बताइए कि आप अपनी पहली डेट पर उर्मिला के लिए क्या भेंट लाए हैं? अरे देवा, ये तो लोचो आ गया, फिर अपन कुछ नहीं लाया सर। चलो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं? आपको दे दूं गिफ्ट में। अरे नहीं प्रभु, ये लीजिए प्रभु जी, अपने पहले डेट की शुरुआत इन खूबसूरत फूलों से और इनकी महकती खुशबू से कीजिए। क्या बात है सर, आप तो पूरा बगीचा लेके आए। वैसे कहाँ पे जा रहे थे, कौन से रेस्टोरेंट पे? नहीं वो उर्मिला यहाँ पे आ रही है ना सर। लकी मैन, लकी मैन, लकी मैन, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, शुक्रिया सर। ऋषा, अपन ऋषा, एकदम हीरो के माफिक। उर्मिला, हाँ बोल, क्या ये क्या बन क्या रे? बन के बोले तो अपन डेट पे ना आज, चमकना तो बनता है ना। हाँ चमक रहा है, बहुत चमक रहा है, बिल्कुल काली पीली टैक्सी के माफिक। अरे ठीक क्यों नहीं है? अरे बस कर। अरे मेरे को एलर्जी है फूलों का, दूर कर इसे। हाँ? सर
सर प्लीज इन्हें हमसे दूर करिए प्लीज। क्यों हसीना जी, आपको ये पुष्प पसंद नहीं आए? नहीं नहीं पसंद है, लेकिन अच्छी हमें फूलों की एलर्जी है। हम सही थे, दो इंसानों की सूरत एक जैसी हो सकती है, शारीरिक कमजोरियां नहीं। आप ही हसीना मलिक हो, उर्मिला मात्रे, और अब हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं, आप स्वयं अपने मुंह से ये बात स्वीकार करेंगी। अब तक आपके राज से एक प्रेमी पर्दा उठाना चाहता था, पर अब ये काम एक रॉ एजेंट करेगा। अरे लेकिन अभी दवाई खाना पड़ेगा मेरे को। हट, अच्छा सुन ले ए उर्मी। कौन है तुम्हारा वो आशिक मुंबई वाला साजन? कैसा रहा उसके साथ तुम्हारा डेट? उसके साथ ही गई होगी ना अपना वैलेंटाइन बनाने? अरे वो कोई मेरा डेट बीट नहीं है, मेरे को कोई प्यार भी नहीं है उससे, वो फालतू मेरे गले पड़ा है। अच्छा और क्या? और वैसे भी सुनना डार्लिंग, ये दिल है मेरा, दिल तवा पाव नहीं है कि अल्टा पलटा बटर लगाया और दे दिया किसी को भी। वो छोड़, तू बता मेरे को तेरा कैसा रहा डेट, तेरा वैलेंटाइन तेरे मर्द के साथ? किधर मस्त बैठ के ऐसे दो दो घूट लगाया, गप्पे शप्पे, डिनर विनर, कैंडल लाइट, बता ना। साथ में बैठ के खाना खाए हमको 4 महीने हो गए हैं और तुम बाहर जाने का बात कर रही हो, पगला गई हो का? क्या बात कर रही है, तू गई नहीं किधर अपने मर्द के साथ? नहीं समय नहीं मिला ना हमको, जब से मैडम सर का, उसके बाद से सारा जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही आ गया, पूरे थाने का, तो कहाँ समय मिलता है हमको। क्या रे तू भी कैसी है रे, मैं होती ना तेरे जगह, मैं नक्की थोड़ा आधा दिन की ड्यूटी ना वन टास्क करके जाती अपने मर्द के साथ। छोड़ जान दे, वैसे भी किसको बोल रही मैं तेरे को। तू तो सुतली बम है सुतली बम, तू खाली फट सकती है, किसी के लिए मर मिट नहीं सकती। हम सुतली बम है? हाँ बड़ा वाला। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुमको एक बात बता दें, हमारा लव मैरिज हुआ है, और ऐसा मैरिज हुआ एकदम लव हमारा ऐसा था एकदम धुआंधार। मेरे को यकीन नहीं है, मेरे को लग रहा है तू खाली फेंक रही है। अच्छा काम कर, मेरे को शुरुआत से बता, इश्क कैसा हुआ, शादी कैसा हुआ, क्या राड़ा बीड़ा हुआ उसके बीच, सब बता तो मैं मानेगी। सब बताते हैं तुमको। हम सबसे पहली बार मिले थे वो झूला पे। क्या बात कर रही है? फिर उसके बाद ये ठीक नहीं है समीर, हमें इस तरह से फाड़ के शादी नहीं करनी चाहिए। देखो साथी मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है ना, चलो भागो। अब लेकिन तुम्हारी माँ को मैं कभी पसंद नहीं आऊंगी। मैं जानता हूँ हमारे बड़े नाराज है हमसे, लेकिन एक बार शादी हो जाएगी ना फिर वो लोग भी मान जाएंगे। हमें अभी भागना पड़ेगा, मंदिर भी तो ढूंढना, वो लोग हमारे पीछे भागो। अरे क्या बात है चटक चांदी, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े पत्थर के अंदर एक इतना सॉफ्ट दिल भी है। थोड़ा प्यार के परिंदे टाइप लग रहे हैं, लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ, चल देखते क्या है। भागो। अरे अरे रुको रुको रुको, मैं अच्छी पुलिस वाली है। एक मिनट, मतलब ये भी शादी के जोड़ में आप लोग भाग रहे हो, घबराए भी लग रहे हो, समस्या बताइए हल निकालेंगे। दरअसल मैडम बात ऐसी है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हाँ, वो तो हमको दिखाई दे रहा है कि आप शादी के जोड़े में शादी करना चाहते हैं, पर ऐसे भगदड़ में कौन शादी करे? अरे मैडम हम लोग भागकर शादी करना चाहते हैं। वही मैं कह रही हूँ, भागकर मत करो, रिक्शा लेके जाओ। अरे मैडम मैं कह रहा हूँ वो वाला भाग के नहीं, ऐसे वाला भाग के शादी करना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारे सारे घर वाले पीछे पड़े, मेरी माँ हमारे पीछे पड़े हैं, अगर आज उन्होंने हमें पकड़ लिया ना तो हमारी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये बवाल है क्या? मतलब एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो सकता है? अपना मनपसंद जीवन साथी ढूंढने का अधिकार जो है वो संविधान ने दिया। मैडम आप कुछ कीजिए ना, आप हमारी मदद करिए, इनकी मम्मी के आने से पहले आप हमारी शादी करवा दीजिए। अरे इधर इधर कैसे? अरे इधर नहीं मैडम, मंदिर में। पंडित जी ने कहा है कि कल शाम 4 बजे तक हमारी शादी नहीं हुई ना तो अगले 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है शादी करने के लिए। 3 साल? 3 महीने? 3 महीने? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन से मंदिर में शादी करने का है, कौन से पंडित से बात हुई है? तुमको मालूम है ना कागज कागजात कार्यवाही सब लगता है, वो विटनेस गवाह चाहिए, उनका साइन लगेगा, ये सब है तुम्हारे पास? नहीं मैडम हमारे पास कोई गवाह तो नहीं है। वाह 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 बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया। आपको क्या लगता है कि हाथ में हाथ डालिए शादी का जोड़ा पहनिए तो शादी हो जाएगा? ऐसे शादी होता है क्या, ऐसे हड़बड़ी में? ऐसे अब समझ के शादी करना पड़ता है ना, जिंदगी भर का सवाल है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम शादी करने निकल गए हो या गोलगप्पा खाने निकल गए हो। हाँ मैडम प्लीज कुछ कीजिए, हमारी शादी करा दीजिए 4 बजे तक, प्लीज 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 करा दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ थाने आओ, थाना में शादी होगी तुम दोनों की और हम बनेंगे विटनेस, और वो क्या कहते हैं जो विवाह प्रमाण होता है उसमें हम सिग्नेचर करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है तुमको शादी करने से। चलो थाना हमारे साथ। अरे जी ये तो पुलिस वालों के साथ भाग गए। कु
कुछ भी हो जाए ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। कह दिया सो कह दिया, कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। मैडम सर आपने शादी कर ली, कांग्रेस कांग्रेस। नहीं साजन नहीं, एकदम अरेंज मैरिज, कांग्रेस। अभी तो पार्टी चाहिए। क्या पार्टी पार्टी चाहिए, ये पकड़ो तुम 1000 रुपए। दुल्हन आपने मेरे लिए दुल्हन लाई, थैंक यू सो मच। आओ तो बाद में, ये तुम्हारी नहीं है उनकी दुल्हन है, समझे तुम। और जिसने 1000 रुपए दिए उनसे पूछो तो सही क्या करना है इसका। दो वक्त की बिरयानी एक वक्त में खा के आना है बस। पंडा पड़ेंगे ना साथ में तो तुमको और मजा आ जाएगा। आज हमारे थाने में शादी है, शादी होगा हमारे थाने में। आप लोग अंदर जाइए। हाँ सुनो, ऐसा है फटाफट शादी का इंतजाम करना है, पंडित मंडप और जो भी तैयारियां होती है, बैंड बाजा बारात सब लेकर आना है, ठीक है, जल्दी जल्दी। 1000 रुपए में इतना सब कुछ, गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं होती, 10000 तो चाहिए कम से कम। एक सेकंड मैडम सर, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपके पैसे मैडम सर, ये आप रखिए, ये हम देखें। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, कभी कभी पैसे नहीं दुआ कमानी चाहिए। 1, 2, 3 हजार, 3000 में तलाक नहीं होता, शादी कैसी होगी। अब होगी होगी, तुम जल्दी करो फिर। दरअसल ना हम लोग घर छोड़कर नहीं भागे, शादी छोड़कर भागे। किसका शादी छोड़कर भागे? अपनी शादी से। हैं? आप दोनों अपनी अपनी शादी छोड़ के भाग गए? नहीं, एक ही शादी छोड़ के भाग गए। अच्छा किसकी, आपकी के उनकी? हाँ। अरे उसकी और मेरी एक ही शादी छोड़ के भाग गए। हमारा क्या टोपा गए हो क्या? बिल्कुल, जब शादी हो रहा था सब थे वहाँ पे, सबकी रजामंदी से हो रहा था, फिर भी तुम उसको छोड़ कर भाग गए। जी। एक दूसरे से शादी करने के लिए। जी। माँ क्या बिल्कुल ही दिमाग का चूरन कर दोगे क्या अब हमारा? जब शादी अच्छे से हो रहा था तो छोड़ के काहे भागे, शादी तो हो रहा था ना भैया। वही तो। क्या वही तो? नहीं हो रहा था। अभी तो बोला हो रही थी। अभी नहीं मैडम, शादी हो रही थी, 6 फेरे हो चुके थे। हा? बात 6ठा फेरा तक पहुँच गया था। 6 फेरे हो चुके थे, 7वां फेरा शुरू होने वाला था, लेकिन बीच में माँ आ गई। किसकी? मेरी माँ। हाँ तो बीच में आ गई मतलब वो 7वां फेरा शुरू होने से पहले हमारी शादी को कैंसिल करने का हुक्म दे दिया, इसलिए मुझे मेरी सूटी को लेकर वहाँ से भागना पड़ा। इसको किसको किसको लेकर भागना पड़ा? स्वाति माई वाइफ होने वाली। अरे पण फरार होना ही क्यों पड़ा, अपनी ही शादी छोड़कर क्यों भागना पड़ा? क्योंकि मेरी माँ ने मेरी सूटी को चिकन कबाब खाते हुए देख लिया। अरे इतनी सी बात भड़केगी ना, अभी शादी छोड़ के फेरे भीरे छोड़ के अगर बैठ के वो तंगड़ी तोड़ेगी इधर तो किसी को भी गुस्सा आएगा क्या? रे शादी की बात नहीं खा सकती थी? अरे सोशल अकाउंट पे देखा था। किसके सोशल अकाउंट? मेरे। हाँ और 7वां फेरा शुरू होने से पहले मामा जी चिकन कबाब खाते हुए स्वीटी का फोटो माँ को दिखा दिया। अरे किसकी माँ को दिखा? मेरी माँ को। रे मेरी माँ वहीं से भड़क गई और वहीं पे सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये वाला फोटो। मेरी माँ शुद्ध शाकाहारी है, पर जब उन्हें पता चला कि उनकी होने वाली बहू नॉनवेज खाती है तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ। एक मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या थी? एक मुझे ये बताओ कि अपनी माँ को शादी के पहले क्यों नहीं बताया था कि तेरी आइटम टंगड़ी दबाती है? मैडम मैंने कहा था समीर को बताने के लिए, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए मैडम, अगर मैंने ये बात अपनी माँ को बता दी होती तो मेरी माँ हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होती। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी कुछ चीजों को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर है, दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए लेकिन वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वो नॉनवेज के इतने खिलाफ है कि वो नॉनवेज का न तक नहीं बोलती है। हैं? क्या बोलती थी? मैडम पंडित जी कब तक आ रहे हैं? संतोष जी पंडित जी तो आ जाएंगे, लेकिन हमें आपको बताना है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ आप शादी करने जा रहे हैं, ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे होना ही नहीं चाहिए, ये सच की बुनियाद पे होना चाहिए। आपने काहे नहीं बताया उनको? मैंने भी यही कहा था मैडम कि ये शादी हमें सबको सच बताकर करनी चाहिए। अब देखो ना टूट गई ना शादी, कितना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है मुझे। आई एम सो सॉरी सूटू, लेकिन मैं क्या करूं, मैं हर हाल में तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं सूटू, लेकिन देखो फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, हालत चाहे कैसे भी हो
आज तो हमारी शादी हो रही है ना, फिक्र मत करो। मैडम पंडित जी कब तक आ रहे हैं? हेलो, हाँ बोल मेरे चिकू। आप हमें मिल सकती हैं? आपको एक सरप्राइज देना है। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज है, बता थोड़ी सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिलना है? हसीना जी का घर कैसे रहेगा? आप पहुंचिए, हम वहां पहुंच रहे हैं। घर? मेरे घर काय के लिए? आपका घर? पर वो तो हसीना जी का घर है ना। और वैसे हमने वो घर इसलिए चुना है क्योंकि सरप्राइज देने के लिए उससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती, और आप ये सरप्राइज आजीवन नहीं भूलेंगी। ठीक है, ऐसा क्या सरप्राइज हो सकता है? आइए हसीना मलिक, आज आप अपना सच खुद अपने मुंह से हमें बताएंगी। आज इस राज से पूरी तरह पर्दा उठ जाएगा कि असल में आप हैं कौन, उर्मिला महादेव मात्रे या हसीना मलिक। अम्मी, आप यहाँ कब आए? सरप्राइज। हमारे कहने पर ही ये यहां आई है। क्या बात है, सरप्राइज देखकर आपके तो होश उड़ गए। 2 दिन पहले अनुभव का फोन आया था, इन्होंने कहा कि तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रही हो, हमें याद कर रही हो और कह नहीं पा रही हो, तो भाई हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद अपनी बच्ची से आके मिले। लेकिन हाँ, अनुभव ने हमें सख्त ताकीद दी थी कि हमारे यहाँ आने के बारे में तुम्हें हम कुछ भी ना बताए, ताकि हमें यहाँ अचानक से देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी आएगी वो हम दोनों मिस नहीं करना चाहते थे। कैसी है हमारी बच्ची? बहुत अच्छी हो मम्मी, आपको बहुत मिस किया। हमने भी, जरा देखो तो, अच्छी खासी हट्टी कट्टी शेर जैसी बेटी को छोड़कर गए थे और आकर देखने को क्या मिल रहा है, ये कमजोर बकरी। कहाँ, इसीलिए कहते हैं जल्दी से शादी कर ले, ताकि हमारे पीछे तुम्हें कोई देखने वाला भी तो हो। खैर 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 खैर, इसके बारे में इत्मीनान से बात करते। आओ ना, बैठो तुम लोग, आओ आओ, हम ना तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाते। अरे नहीं, आप बैठिए, हम बनाकर ला। अरे हम किस दिन के लिए है, बैठो। जो भी हो, कमाल की अभिनेत्री हैं आप। कहते हैं कि इंसान अपने आप को सारी दुनिया से छिपा सकता है परंतु अपनी मां से नहीं, क्योंकि मां अपनी संतान को किसी भी रूप में पहचान सकती है, परंतु आपने अपने जबरदस्त अभिनय कौशल से हसीना जी की मां को भी छल लिया। अब इससे बड़ा करामती कलाकार कौन हो सकता है? लगता है इन्हें हम पर शक हो गया है। वैसे एक बात बताइए, हसीना जी की अम्मी को आपने पहचाना कैसे? अब तो उर्मिला है। क्या रे मेरे चिक्कू, तू मेरे को बहुत हल्के में लेता है ना, और उससे भी ज्यादा हल्के में लेता है अपनी बहन को, करिश्मा सिंह, हसीन दिलरुबा के खानदान के एक एक आदमी का फोटो दिखा दिखा के मेरे भेजे में ऐसे छाप दिया है, ऐसी फुल टू ट्रेनिंग मिली है मेरे को। हाँ, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि आपने हमारी अम्मी को यहाँ बुलाया क्यों? क्योंकि हमें उनकी परवाह है। कितने दुख की बात है ना, हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं है, और जिनको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए वही इस बात से अनजान है। जिनको सबसे ज्यादा हक है उन्हें ही नहीं पता कि उनकी बेटी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई है। यही बताने के लिए हमने उन्हें यहां बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, 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 हम जानते हैं कि ये उतना आसान नहीं है। कितना कष्ट पहुंचेगा ना उन्हें,
हसीना जी की मृत्यु का समाचार सुनकर। लेकिन अब बताना तो पड़ेगा, आखिर वो उनकी बेटी थी। अब हमारी व्यवस्था देखिए, ये दुखद समाचार हमें उन्हें देना होगा, उन्हें बताना होगा कि हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर अनुभव ने ये बात अम्मी को बता दी तो अम्मी ये सदमा झेल नहीं पाएंगी। जी सर, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। आपने पहली बार चांस दिया है ना किसी की शादी कराने का, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। और हाँ, कुछ ऊपर नीचे हुआ ना तो मैं आपको कॉल करूंगा। चलो हो गई तैयारी सब। अबे बिल्ले नल्ले, क्या क्या डेकोरेशन है बे? सिर्फ दो फूलों की लड़ी और दो मिर्ची लड़ी सिर्फ? सब 3,000 में आए हैं और हम आपको भी पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं ना। ये ट्रम्पेट बजाओ, भरपेट बजाओ। रुक जाओ, खाने का काउंटर खुला नहीं, शादी होनी बाकी है। हमारे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। कुंती का फैसला, पत्थर की लकीर। एक मिनट जी। माता जी बताइए, आपकी कोई मदद कर सकते हैं? कोई समस्या है जिसका हल हम निकाल सकते हैं? मैडम जी, हम अपने बेटे को लेने आए हैं। जी अपने बेटे को लेके जाइएगा, एक बार शादी संपन्न हो जाए फिर बेटे के साथ बहू को भी लेके जाइएगा, ठीक है? हम उस राम 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 तो बोलना। अरे मांसाहारी लड़की, हाँ उस लड़की से हम अपने बेटे की शादी नहीं कराएंगे। देखिए ऐसा है कि जोड़ी जो है वो भगवान बनाते हैं, हाँ, तो इसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये तो हक है सबका कि सब अपने पसंदीदा पार्टनर से शादी कर सके, हाँ, तो ये तो सरकार ने ही अधिकार दिया हुआ ना, तो आप कौन होती है वो छीनने वाला? क्षमा कीजिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, विधि शुरू करें क्या? हाँ हाँ जल्दी शादी शुरू कीजिए। और तुम बचाओ ना बेकार रुपये, हाँ? बंद करो ये सब। तुम्हारी माँ आ गई हमारी शादी रोकने के लिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो कुछ नहीं होगा स्वीटू, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, रिलैक्स। हम लोग पुलिस स्टेशन में, हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे, जस्ट रिलैक्स। हाँ ये एकदम सही कह रहे हैं, तो आप दोनों बाहर जाइए और मैं इन्हें थोड़ा सा ठीक करके लेकर आती हूँ। आइए। देखिए इस तरह की तमाशे करने से कुछ नहीं होगा, क्या शादी जो है वो होकर रहेगी। अब हम भी देखते हैं ये शादी कैसे कराती है। ये शादी नहीं होगी, ये हमारा अंतिम निर्णय है। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर होता है। ये शादी होगी माँ, माफ कीजिएगा लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं ये शादी जरूर करूंगा। समीर, अगर तूने ये शादी की ना। माँ, अब ये जहर पी के हम अपने प्राण त्याग देंगे। अब ये शादी हमारी लाश पर होगी। देखते हैं तुम्हें कौन ज्यादा प्यारा है, तुम्हारी माँ या कल की आई वो लड़की। ये लो चाय आ गई। हाँ अम्मी। रुकिए रुकिए रुकिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है आपको। अरे पहले चाय तो लो। ठीक है वो तो आई आई, आप पहले बैठिए, आप बैठिए ना, बैठिए तो सही। अम्मी बात दरअसल ये है कि बोलो। नहीं एक मिनट, ये बात अगर स्वयं ये आपसे कहेंगी तो ज्यादा उचित होगा हमारे विचार में। भैया ऐसी क्या बात है? अम्मी दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हम खुद ही बहुत दिनों से आपको ये बताना चाह रहे थे और लेकिन दरअसल नहीं, रहने दीजिए, बहुत कठिन होता होगा आपको बताने में। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं अम्मी। अरे भाई जल्दी बताओ बात क्या है। लेकिन अम्मी आप वादा कीजिए, आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आपको बहुत तकलीफ होगी। हाय अल्लाह, ऐसी क्या बात है? बात दरअसल ये है कि हेलो, हाँ संतोष शर्मा बोलिए। मैं क्या बोलूँ, आपने तो मुझे मैसेज किया था कि इमीडिएटली मैं आपको फोन करूँ। थाने आना है अर्जेंटली? नहीं ठीक है, हम बस निकल ही रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों? हाँ हाँ ओके। अम्मी
माफ कीजिएगा लेकिन थाने में बहुत अर्जेंट काम है, हमें जाना होगा। आप चाय वगैरह पीकर आराम से चले जाइएगा। लेकिन अरे वो बात हंसी, कि लड़की भी ना 24 घंटे ड्यूटी ड्यूटी और ड्यूटी, 2 मिनट चैन की सांस नहीं लेती। कब तक बचेंगी आप हसीना मलिक? ये सच्चाई कि आप उर्मिला नहीं हसीना मलिक हैं, आपको खुद अपने मुंह से कबूल करना ही होगा। माँ समझने की कोशिश करो, एक बार शादी हो जाएगी ना फिर स्वीटू को नॉनवेज खाना छोड़ देगी। झूठ, मुझे चाहिए ही नहीं। माँ मैं उससे प्यार करता हूँ। अपनी माँ को प्यार नहीं करता? देखो माँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कलयुग, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मामा जी मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। अरे यहाँ सब टेंशन है और मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम क्या संतोष जी के सपने देख रहे हो? अरे तुमको कैसे मालूम है, तुम हमारा सपना में भी घुसने लगा आजकल। हाँ फिर क्या, रोमांटिक पोज लेकर ये बुगुल कर रहे हो, बदनाम को तो नहीं दिखे होगे ना सपने में? लेकिन एक बात है, संतोष जी और तुम्हारी शादी नहीं होगी। संतोष जी तुम्हें लाइन दे ही नहीं सकती। कह रहे उनको पता चल गया कि हमारे सपने में बदनाम आता है, वो थोड़ी आता है। उसके वजह से नहीं। तो कहाँ है? तुम्हारे नाम की वजह से। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? चीता चतुर्वेदी। चतुर्वेदी, तुम ब्राह्मण हो, प्योर वेजिटेरियन, और संतोष जी प्योर नॉन वेजिटेरियन। एक पूरब एक पश्चिम, कैसे मिलन होगा? असंभव, अशक्य, कदापि नहीं। अरे भाई दूल्हा दुल्हन आएंगे कि नहीं? शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, हमें भी तो एक चांस दीजिए शादी कराने का। अरे उम्र के न्यू कमर, होगा होगा, तुम्हें चांस मिलेगा, दुल्हन आने दो, शादी होगी। कहाँ है मेरी बेटी? हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपनी बेटी को लेके जाओ ताकि हमारे बेटे की जान छूटे। ऐसी लड़की की तो परछाई भी बुरी है, हम नहीं चाहते हमारे बेटे पे पड़े। वो जो बोलना, अरे मांस मच्छी खाती हो, ऐसी लड़की हमारे घर की बहू? असंभव। मम्मी जी, अरे हम भी मरे नहीं चाह रहे हैं आपके घर में रिश्ता करने के लिए। हम भी अपनी बच्ची की शादी ऐसे घर में नहीं करना चाहते जहाँ सास इतनी खड़ूस हो। दीदी खड़ूस बोला? हाँ मैंने सुना, मुझे खड़ूस बोला तुमने? हाँ बोला, खड़ूस, मैं बहुत खड़ूस, बड़ी खड़ूस। देखा हाँ। बेटा ये खड़ूस क्यों बोली? वो तुम्हें नहीं बोली, खड़ूस बहुत बड़ी खड़ूस। आप खड़ूस, आप ऐसे बात करेंगे? शांत हो जाइए, अब क्या चल रहा है ये सब? तो फिर शादी की विधि शुरू करें, मुझे भी शादी कराने का पहला चांस मिल जाएगा। हाँ हाँ मिलेगा, बापी को ही चांस मिलेगा। इस अग्नि कुंड की अग्नि बुझने से पहले लड़का लड़की की शादी होगी और ये करिश्मा सिंह का वादा है, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। तो चलाइए चलाइए अग्नि जलाइए ना पंडित जी। मैं अभी विधि शुरू करता हूँ। काहे बंद हो जाते हो, बैंड बजाओ भे। पैसे नहीं मिलेंगे, बचाओ। हाँ स्वाति भाग गई। क्या क्या, और ये चिट्ठी छोड़ कर गई है? मुझे क्या लिखा है? मेरी बेटी का है। अरे लाओ क्या, अरे क्या मेरी बीवी होने वाली है? तो फाड़ दोगे क्या? मुझे माफ कर देना समीर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मैं इस तरह शादी नहीं कर सकती। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की पर दिल नहीं माना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ का या किसी भी बड़े का दिल दुखाकर हम कभी भी खुश रह पाएंगे। मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, हो सके तो भूल जाना मुझे। लव यू स्वाति। ये क्या किया तुमने स्वाति? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे बेटा चल बेटा, बलाटली जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब तू भी घर चल। आजा। चल भाई। अरे रुको, ऐसे कैसे, क्यों खत्म हो गया सारा प्यार? एक हालात की छोटी सी पिन क्या लगी, सारी मोहब्बत तुम्हारी उड़ गई, खत्म हो गई, अब नहीं करनी उससे शादी? करनी है मुझे शादी। अभी आप ही बताइए कैसे होगी शादी? स्वाति तो वापस आ जाएगी, लेकिन पता है वो मुझसे शादी नहीं करेगी। जानती है क्यों? क्योंकि मेरी माँ हमारा रिश्ता कभी कबूल नहीं करेगी। आप ही बताइए अब कैसे होगी शादी? तजुर्बा कहता है हमारा, हो चाह शिद्दत से मंजिल पाने की तो आंधियों में भी चिराग रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो तो स्वाति भी मिलेगी, तुम्हारी माँ भी शादी के लिए मानेगी, और तुम दोनों की शादी धूमधाम से होकर रहेगी, वो भी इस हवन कुंड की अग्नि बुझने से पहले। ये करिश्मा सिंह का वादा है तुमसे। पूरा शहर अच्छे से जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की है।
तो अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम क्या करना चाहते हो। करिश्मा सिंह पे भरोसा करके स्वाति से शादी करना चाहते हो, या फिर अपनी माँ की बात मानकर घर जाकर जिंदगी भर कोना पकड़ के स्वाति के नाम से रोना चाहते हो। मैं यहीं रुकूंगा वहां और यहीं से शादी कर कर जाऊंगा। ऐसा है तो हम यहीं रहेंगे, देखते हैं ये शादी कैसे होती है। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। हम भी यहीं रहेंगे और अपनी बेटी को साथ लेकर ही जाएंगे। अम्मी आप यहाँ? मत कहो हमें अम्मी, तू हमारी बेटी नहीं है। अनुभव ने हमें सब कुछ बता दिया है, हमारी बेटी मर चुकी है, हसीना मर चुकी है, हमारी बच्ची मर चुकी है। नहीं 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 अम्मी, नहीं मत कहो हमें अम्मी। अम्मी 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 संभालिए, अरे कोई है, मदद, हेलो, अम्मी संभालो, अम्मी अम्मी। तुम आई तो संतू जाओ। घर जाऊं अभी, बाहर इतना टेंशन चल रहा है मैडम। समाओ जड़ बुद्धि, वो खिड़की बंद करने जाओ। सॉरी। तुम समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ क्या बाहर क्या बोल कर आई हो तुम? तुम्हारा टंटा हम समेटते रहे, यही काम है अब हमारा। सुन रही हो, तुमसे बात कर रहे हैं हम, जवाब दो हमको। समीर और स्वाति की शादी तो आप करा रही है ना? हाँ तो यही तो हम बोल रहे हैं, इसको क्या जरूरत था ये बोलने का भार? नहीं ऐसा आपने कहा था। आपने ये भी कहा था कि ये तो पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपना वादा कितनी पक्की है। हाँ तो टेक्निकली उन्होंने आपको नहीं फंसाया, आप ऑलरेडी फंसी हुई है वादा करके। हाँ। तुमको कितनी बार बोला सिंघाड़े खाना तुम बंद मत करो, तुम सिंघाड़े खाना बंद करती हो तुम्हारी याददाश्त बुद्धि पंचर हो जाती है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हम उनका शादी कराएंगे, यही कहा था ना? ये तो नहीं कहा था उसकी स्वीटू को ढूंढ देंगे या उसकी माँ का हृदय परिवर्तन कर देंगे? ये सब बकवास तुम्हारी ये सुरमिला महादेव मात्रे ने की है। नहीं मैडम, मैडम अब चाहे जो कुछ भी हो, मैडम अब तो आप वादा कर चुकी है ना, अब तो आपका छवि दांव पर लगा हुआ है। अगर शादी नहीं हुआ तो पूरा शहर आपके बारे में क्या क्या बोलेगा मैडम, कितना खराब बोलेगा। सही बात है चिकने, खराब ही बोलेगा, कहेगा कि करिश्मा मैडम सिर्फ गरजती है, बरसती नहीं है, दहाड़ती है, फाड़ती नहीं, नो एक्शन ओनली डायलॉग। अरे इससे गली के गुंडे क्या मुंडे भी नहीं डरेंगे, ये ऐसा लोग कहेंगे। ऐसा लोग नहीं, ऐसा ये बिल्लू ही कह रहा है और बिल्कुल सही कह रहा है। क्या रे चटक चांदी, तेरा तो लव मैरिज हुआ है ना, तो तेरे को ये जज्बात बिज्बात अच्छे से समझ में आना चाहिए ना रे। अरे कराना इन लोग का शादी फटफट, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, ऐसे साथ कर इनको। हमने इनको वादा दिया है कि हम इनका शादी कराएंगे, हमारा प्राण चला जाएगा लेकिन हम अपना वादा निभाएंगे। अरे हम शादी कराना चाहते हैं, समझ गए तुम? लेकिन इसकी स्वीटियों को कहाँ से ढूंढे हम अकेले? हाँ जो असंभव काम है उसको संभव कैसे करें, जिसका संभव होने का बिल्कुल संभावना नहीं है। उसकी माँ का हृदय परिवर्तन हमारे अकेले के बस का बात है क्या ये? बोले एक काम कर लेते, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आधा आधा बांट लेते। मैं और उर्मिला जी जाते हैं स्वाति को ढूंढने के लिए, तब तक आप उनकी माँ को कन्विंस करो, ठीक है? टाइम बचेगा ना। एक नंबर आइडिया दिया है तूने, पर क्या है कि मेरे को ना जरा काम है तो मैं वो काम निपटा के आती है, तब तक तुम लोग हल्ला बोलो, मैं बाद में आके ज्वाइन करेंगे। टेंशन लेने का नहीं मैं है तुम्हारे साथ। टेंशन लेने का नहीं देने का बोल के तुम खिसक रही हो, 2000 रुपए मिलता है ना तुमको, संतू के साथ जाओ। खड़ूस। हाँ धन्यवाद, वो हम है। हाँ मैं गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ। संतू जी, संतू जी एक ठोना ऐसा हमारा पर्सनल लेवल पर आपसे सवाल था। संतू जी जल्दी पूछ जाना है। संतू जी मानिए कि आप अगर सविता की जगह पर होती और आपको किसी ऐसा लड़का से प्यार हो जाता जो एकदम मतलब शुद्ध शाकाहारी हो, और लड़का के परिवार वाला लोग को भी एकदम शुद्ध शाकाहारी ऐसी टाइप बहू चाहिए होती, तो उस लड़का के लिए अपना प्यार के लिए क्या आप अपना आपको मांसाहारी से शाकाहारी में बदल देती? संतू जी नहीं चीते, ऐसे प्यार में किसी को बदला नहीं जाता, जो जैसा होता है उससे वैसे ही प्यार किया जाता है। चल तू कह रहा है तो मैं ये सोचूंगी कि हाँ चलो मैं वेजिटेरियन टर्न होंगी, तो मेरी भी एक शर्त होगी। कैसी 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 सर? संतू जी शर्त ये होगी कि फिर मेरे पार्टनर को नॉनवेज खाना होगा। हाँ उसे भी तो प्रूव करना होगा ना कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बोलो जानी दादी क्या खाओगी आप? कुछ नहीं खाना, जाओ तुम। मोहतरमा एक बार आप यहाँ का खाना अगर आप टेस्ट करेगी ना, इतना लजीज खाना बनता है कि आप मरते दम तक भूलोगी नहीं, एक ही नाम भूलोगी, एक बार बदनाम स्पेशल। क्या दिया ना, कुछ नहीं खाना, ऐसे दुकान का जो मांसाहारी खाना बनाता है।
इतनी सी प्रॉब्लम, इतनी सी प्रॉब्लम मैं यू सॉल्व करूं। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। इकबाल बोल। मैडम क्या है ना, हम नई कढ़ाई लाके आपको बना खिला देंगे। कढ़ाई बदल जाएगी, बनाने वाला तो नहीं बदलेगा ना, वो तो वही रहेगा ना जो मांसाहार खाना बनाता है। हम नहीं खाएंगे ऐसी दुकान का। ये किसी, मैम कुछ पता चला? अरे का पता चला, मर्दे रुको ना यार, थोड़ा सांस लो। देखिए माता जी, आप वेज खाती हैं, ये आपका निजी चुनाव है ना, हम इसको सम्मान करते हैं। अब कोई नॉन वेज खाता है तो वो उसका निजी चुनाव है, तो आपको भी उसको सम्मान करना चाहिए, जैसे हम आपको कर रहे हैं, आप हमें कीजिए। इसमें आपको दिक्कत क्या है? अगर कोई नॉन वेज खाता है तो आपको दिक्कत क्या होती है? क्योंकि मैडम वो शाकाहारी खाने वाले जो होते हैं ना, वो सात्विक लोग होते हैं, और मांसाहारी खाने वाले जो होते हैं वो तामसिक लोग होते हैं, और हमारी दीदी का मानना है जैसा आहार वैसा विचार। दरोगा जी, आप खाती है ना वो मांसाहार? जी खाते हैं। हाँ तो देख लो कैसा गुस्सा नाक पे रखा रहे आपके। एक मिनट, मतलब आपके कहने का क्या का? आपके कहने का मतलब ये है कि जो नॉनवेज खाता है उनको गुस्सा ज्यादा आता है। हमने ऐसे इंसान से मिले हैं जो इतना नॉनवेज खाते हैं लेकिन उनमें सहनशीलता एकदम जीरो है, और जो इंसान जिन्होंने आज तक नॉनवेज नहीं खाया है उनमें सहनशीलता है ही नहीं। इतना आग उनमें भरा हुआ, इतना गुस्सा भरा हुआ है ना कि वो शांत बैठते ही नहीं। तो जो इंसान होता है ना उस पे उसके नेचर, उसके स्वभाव का प्रभाव पड़ता है उस पे, शाकाहारी और मांसाहारी नॉनवेज वेज का नहीं पड़ता है। हम नहीं मानते, ये शब्दों का माया जाल है जिसमें आप उलझा रहे हैं हमें। 16 आने सही बोला दीदी ने, इंसान जैसा खाएगा वैसा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फिर तो वो हिटलर बेरहम शासक जिसपे हजारों लाखों लोगों की जान का आरोप लगा हुआ है, वो तो फिर किसी और ही मिट्टी से बना होगा। क्या उसने आज तक नॉनवेज खाया ही नहीं? और दूसरी बात हम आपको बताते हैं, हमारे ही मोहल्ला में एक चाचा जी रहते हैं जो रोज बहुत नॉनवेज खाते हैं, दबा के नॉनवेज खाते हैं, लेकिन इतने शांत आदमी, इतने नेक इंसान हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। आज तक उन्होंने एक ही काम किया है, सिर्फ गरीबों को और मुस्लिमों को खाना खिलाया है, और कुछ नहीं किया है। इसलिए इंसान मांसाहारी और शाकाहारी से नहीं, अपने स्वभाव अपने संस्कारों से होता है। देखिए दरोगा जी, ये आपकी सोच है। मैडम जी, हम लोग हमारी मान्यता पर कल भी अटल थे, आज भी अटल है, और आजीवन अटल रहेंगे। हमारी मान्यता ये है कि मांसाहार जो है वो पाप है और हम उसका विरोध करते हैं। और हाँ, अमीर की शादी इनकी लड़की से कभी नहीं होगी, और ये हमारी दीदी का फैसला है, और दीदी का फैसला मतलब पत्थर की लगी है। बहुत टेढ़ी खीर है ये, तो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है, कुछ और तरीके से इन्हें समझाना होगा।